सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो आज हम आए हैं कर्णप्रयाग के, जो यहाँ नीचे मतलब कर्णप्रयाग है इसके ऊपर जहाँ पार्क वो रहते हैं, क्या बोलते हैं, नोटी वाली रोड पे आज हम आए हैं। तो आज हमारे मतलब स्कूल की छुट्टी है इसलिए हम यहाँ ऊपर आए हैं, बाकी दोस्त अभी पीछे है तो हम थोड़ा आगे आगे जा रहे हैं। तो अभी मैं आपको यहाँ का पूरा नज़ारा दिखाता हूँ। ओके, तो अभी हम आ चुके हैं थोड़ा सा आगे और मैं आपको और नज़ारा दिखाता हूँ यहाँ पर। और ये इनसे मिलिए, ये मेरा दोस्त है, 11वें पढ़ते हैं क्लास में, रोहित रावत, मतलब भाई राजस्थान से है। तो राजस्थान से यहाँ आए हैं और इनका गांव गैरसैंड है, तो पढ़ाई यहाँ करते अपने भैया उनके साथ रहते हैं। तो अभी हम दोनों जा रहे हैं आगे, तो आपको दिखाते जाते हैं। और जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वाला मेरा जो ये वाला ब्लॉग है, ये वाला सब्सक्राइब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। और जो ये वाला मेरा ब्लॉग है, इसको आने में मेरा टाइम लगा, क्योंकि आजकल पेपर चल रहे हैं इस बीच, तो प्रैक्टिकल उन सब का भी बहुत काम था, इसलिए टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो अभी भी यहाँ पर वीडियो अच्छा नहीं बन पा रहा है क्योंकि धूप आ रही है ऊपर से। ओके, तो अभी हम चल रहे हैं यहाँ पर। आजकल क्या है ना, बहुत लोगों को भूत सवार है, मतलब भूत सवार भी क्या, पर बहुत लोग आजकल ब्लॉगिंग बना रहे हैं, जिसको देखो ब्लॉगिंग कर रहा है, छोटे से छोटा मतलब मुझसे भी छोटा लड़का ब्लॉगिंग कर रहा है। और कुछ कुछ तो ऐसा है जिन्होंने ब्लॉगिंग स्टार्ट करके उनका चैनल मोनिटाइज भी हो गया और उनको पेमेंट भी आने लगी यूट्यूब की तरफ से। चलो कोई नहीं, अच्छा है, सही है। मतलब उसने बोला था कि उसका मतलब कोई रिश्तेदार था ना, तो उसने ऐसा बोला कि बल इसकी वो इस ब्लॉग को बल एडिट कर दो बल तुम। उसका छोटा सा, और छोटा था भाई, पर कितना छोटा था, छोटे लड़के ने किया ब्लॉग, छोटा सा, हाँ छोटा था, एडिटिंग किया ना उसने बॉबी उस्ताद को बोला था कि बल एडिटिंग कर दो बल इसकी। अच्छा, बॉबी उस्ताद, और उसने फिर अपने रियल चैनल पे ये बताया। अच्छा, बॉबी उस्ताद ने, उसके ज्यादा हो गए होंगे यार। अच्छा, कितने और कितने फॉलोअर्स मतलब सब्सक्राइबर है उसके, उसके मतलब 5 मिलियन के नीचे होंगे उसके, 5 मिलियन उसके नीचे होंगे। अच्छा, हालत खराब हो रही है अभी तो, इस महीने में तो ठंड का मौसम रहता है, पर अभी हमको थकान लग रही है आते है, चलते चलते और आगे जाते रहने, देखते हैं क्या क्या है यहाँ आगे। और आपको दिखाता हूँ यहाँ, एक तो यहाँ ये जो ऊपर वाला है यहाँ एरिया में बहुत लंबे लंबे पेड़ होते हैं, ये देखो जाक नाइन दिखाई, यहाँ जाक मतलब जाक 9 किलोमीटर यहाँ से ऊपर है, बहुत ही ऊपर है, बहुत ज्यादा ऊपर, 4 किलोमीटर। और कर्णप्रयाग यहाँ पे दिखा देते हैं, कर्णप्रयाग 4 किलोमीटर, सच में 4 किलोमीटर है क्या, अरे नीचे वाले बोर्ड तक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको एक चीज दिखाने वाला हूँ, हमारे स्कूल में कुछ लड़कों का प्रैक्टिकल चल रहा है, बड़े बच्चों का मतलब, तो वो अभी मैं यहाँ से दिखाता हूँ। कहा है, एक सेकेंड, कह रहे हो ओ वो देखो सीधा आगे, ओ वहाँ पे लाल लाल देख रहे हो सब, एक सेकंड, जैसे आप देख सकते हो वहाँ पे रेड रेड कलर के हैं जो बैठे हैं वहाँ पर, ये है मतलब घर तो नहीं जा रहा इनको, बस बंक मारना है बंक। तब पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। और चाहिए ही क्या रहते, एक सेकंड में जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, आप देख सकते है वहाँ पर, अभी देखता हूँ, हाथ हिलाता हूँ ये देखो हाथ हिला है। तो जैसे की आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ ऊपर बहुत ही ऊपर पे एक मंदिर है, एक छोटा सा, ये कौन सा मंदिर है पता नहीं, कौन सा मंदिर है, तो जैसे आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, वैसे यहाँ तो कुछ है नहीं, बट जो भी है यहाँ पे मंदिर ही है एक, लगा लो ऐसा पूछो। और यहाँ नीचे मैं आपको दिखाता हूँ, okay. तो जैसे आप देख सकते हैं हम यहाँ पे अभी खड़े हैं, यहाँ पर एक, यहाँ पर इस जगह का नाम क्या है, नोटी वाली रोड है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्या लिखा है, दौड़ते रहो, मतलब कि आप बहुत लोग क्या होते हैं आर्मी की तैयारी करने के लिए हर रिंग के लिए आते हैं, सुबह शाम आते हैं दौड़ने के लिए, इसलिए लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है। अब मैं आपको चलते चलते आगे का और दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर बहुत सारे पेड़ है यहाँ पर, और यहाँ नीचे भी दिखाता हूँ, गधेरे टाइप के है। और यहाँ क्या होता है ना, मतलब लोग अपनी गायों को चराने के लिए आते ना, हाँ यहाँ लोग अपनी गायों को चराने के लिए आते हैं, मतलब बकरी वो सब चराने के लिए आते हैं। मैं आपको इधर को पूरा दिखाता हूँ, और आप ऊपर देख सकते हैं ये खतरनाक पत्थर है, अभी ऐसे ऐसे पत्थर, जैसे आप उधर उधर साइड का भी देख सकते हो, बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं ये वो सब। और गांव, जो आप गांव की बात करें तो गांव यहाँ से बहुत ऊपर ऊपर है, बहुत ही ऊपर ऊपर गांव है यहाँ पर,
आप यहाँ पर देख सकते हैं, अभी हम यहाँ पुल पे हैं, आप यहाँ देख सकते हैं इधर यहाँ नीचे कबीरा बोलते हैं इधर उधर, मतलब सारे लड़के लोग यहाँ नहाने के लिए आते हैं। स्कूल से छुट्टी हुई थी कि यहाँ नीचे मुंह बढ़ते फिरते हैं। अब आप देख सकते हैं गहरे गहरे, अभी तो इतना नहीं दिख रहा होगा पर यहाँ गहरे गहरे हैं। जब गर्मियों का टाइम रहता था यहाँ लड़के लोग नहाने के लिए आते, मतलब बहुत सारे जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं बड़े बड़े यहाँ नहाने के लिए आते हैं। तो आप इधर इधर का भी दिखा देता हूँ, यहाँ नीचे संगम में जाता होगा ना। हाँ, ये पानी यहाँ से दिखा। मेरे गलत भी मत बोल क्या पता गलत ही बोल दे लो। चलो अब यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं इधर उधर, आप पूरा देख सकते हैं जो यहाँ की आप रोड देखो, यहाँ की रोड अच्छी है और के और के हिसाब से जो हमारी गांव की रोड है वो भी सही है, अच्छा बन गया। और यहाँ भी सब जगह बढ़िया बढ़िया रोड है।